यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भले ही स्वास्थ्य विभाग उनमें सुधार की बात करें, लेकिन सरकारी अस्पतालों पर कार्यरत कर्मचारी एवं डॉक्टरों की संवेदनहीनता के किस्से आम हो गए हैं। इस तरह की घटनाओं में कोई ठोस कदम न उठाने के कारण अब स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को मीडिया और अधिकारियों का भी कोई डर नहीं रह गया है। शुक्रवार की दोपहर कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला महाराजगंज जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में, जहां एक 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति इलाज के लिए अपनी 97 वर्षीय वृद्ध माँ को स्वयं स्ट्रेचर पर लेके भटकता हुआ पाया गया। अस्पताल में अपनी वृद्ध माँ को लेकर भटक रहे ग्राम सभा कमरिया खुर्द निवासी 72 वर्षीय विंध्याचल से जब इस बाबत बात की गई, तो पता चला कि उसके 95 वर्षीय वृद्ध माँ मुवरा देवी की कमर की हड्डी टूटी हुई है, जिनका एक्सरे उसने पहले ही करा रखा था। बावजूद उसके जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज की उम्मीद के लिए पहुंचा, तो सरकारी पर्ची कटवाकर उसे बाहर से दोबारा डिजिटल एक्सरे कराकर लाने की सलाह दी गई। जब विंध्याचल ने सरकारी एक्सरे करवाने की बात कही, तो उसे बताया गया कि सरकारी अस्पताल की मशीन छोटी है, इसलिए उसे एक्सरे बाहर से ही कराना पड़ेगा। मरीज के वृद्ध परिजन को एक स्ट्रेचर दे दिया गया, जिस पर बैठाकर अपनी वृद्ध माँ की टूटी कमर लेकर विंध्याचल इधर उधर भटकता रहा। आखिर में थक हार कर अस्पताल गेट के सामने बैठ गया। स्थानीय पत्रकार द्वारा मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर राजेश द्विवेदी के पास ले जाया गया। मरीज की सरकारी पर्ची दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अधीक्षक स्वयं पर्ची लेकर मरीज के पास पहुंचे और मरीज का प्राथमिक इलाज शुरू कराया। इस दौरान जब अधीक्षक से पत्रकार द्वारा सवाल किया गया कि क्या वृद्ध मरीजों का इलाज के लिए खुद स्ट्रेचर लेकर भटकना उचित है, तो अधीक्षक डॉक्टर राजेश द्विवेदी द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा गया कि मेरे पास केवल 2 ही स्टाफ हैं, मैं सदा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ स्टाफ की कमी का हर्जाना गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि वृद्ध महिला का एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल का एक्सरे मशीन खराब है, शुरुआती इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया गया है। तो वहाँ का कहना की यहाँ ना हो पाएगा, छोटा मशीन है जी, एक्सरे करता रहूं। हाँ, छोटा मशीन है, कौन बोला है? कितना देर पहले आये बनिया? आधा घंटा। स्ट्रेचर ले जाए वाला कोई आदमी ना मिला? नहीं, नहीं। आप खुद लेके आ रहे हैं? हाँ। एक्सरे भेल कि नहीं भेल? कुछ ना अभी, कुछ नहीं भेल, क्यों देखे ना आये? कितना देर हो गए ले? हमके आधा घंटा हो गए। कमरिया घर है आपका?